राधे राधे हमारी सभी प्यारी बहनों को, भाइयों को, सभी को। तो देखो, आइएगा देखो, पूस की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। ये सोमवारी है और पुत्रदा एकादशी है। इसका उपवास सभी को यानी करना चाहिए एकादशियों का। और आप माताएं बहनें अगर उपवास नहीं कर सकती हो तो आप कथा कहानी तो आप जरूरी सुन सकती हो। कथा कहानी सुनने से भी देखो बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइएगा एक छोटी सी कथा सुनते हैं, कहानी सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की। देखो, एक सेठ और सेठानी था। सेठानी के दरवाजे पे गाय माता रोजीना आती। गाय माता आके और उनके गेट को खिड़खिड़ाती रोटी के लिए। तब सेठानी क्या करती कि अंदर से एक डंडी लाती और गाय माता को वहां से भगा देती डंडी से। गाय माता का रोजीना का ही ये नेम बन गया, उनके दरवाजे पे गाय माता जरूर आती रोटी के लिए। अब सेठानी जी है जो, उसका भी ये नेम बन गया, उसको गाय को वो रोजीना ही भगा देती। इस तरह ये दिन चलता रहा। तो कुछ दिन बाद एकादशी आई। एकादशी आई तो सेठानी जी ने एकादशी का व्रत किया। व्रत किया तो गाय का घास जो अपन निकाल के रखते हैं उसको गाय को सेठानी जी देने के लिए आई दरवाजा पे। दरवाजा पे वो सेठानी जी गाय को घास देने के लिए आई तो गाय ने सिर हला दिया और उसने वो गाय का घास नहीं लिया। तब सेठानी जी को गाय के ऊपर भी गुस्सा भी आया। और दिन तो मैं गाय मेरे आती थी तो मैं इसको भगाती थी और आज मैं गाय को खिला रही हूँ तो ये गाय जो खा नहीं रही है। तो उसके पास में, गाय के पास में एक सांड खड़ा था, यानी बैल खड़ा था। तब उस बैल ने गाय से पूछा, करे आपने गाय, ये सेठानी ने आपको गऊ ग्रास निकाला था जो आपको खिला रही थी, तो आपने सिर क्यों हलाया, आपने क्यों नहीं खाया? तब गाय माता कहती है उस बैल से, मैं इस सेठानी के दरवाजे पे रोज आती हूँ और ये मेरे को लाठी मार के मेरे को ये भगा देती है। ये डेली का काम है, ये मेरे को रोज यहाँ से भगाती है और आज इसकी गरज पड़ी है जब ये मेरे को रोटी खिला रही है, तो कैसे मैं इसका रोटी खाऊंगी, आप ही ये बताइए मुझे। जो सांड भी बोला, करे ये बात तो बिल्कुल आपकी सही है। तो दरवाजे पे जाती है जब, तो ये मारने के लिए सेठानी जी लाठी लेके आती है और अब इसकी गरज है तब ये मेरे पीछे पीछे मेरे को खिलाने के लिए आती है, तो मैं कैसे खा पाऊँ। तो देखो, ये चीज अपन गाय माता से भी सीख सकते हैं। अगर किसी से भी आप किसी का भी अपमान मत करो और अपनी गरज को मत देखो, अपना काम पड़े जब भी अपन किसी इंसान से बातचीत करें, उसको पास में बिठाएं, कोई पता नहीं पड़ता है कोई भी इंसान कब काम में आ जाता है, कोई भी चीज़ कैसी भी चीज़ है वो
किस टाइम अपनी जरूरत बन सकती है। अपन इस कहानी से कई बात सीख सकते हैं। तो मेरी माताओं, भाइयों, बहनों, ये छोटी सी कहानी है। अगर ये आपको थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें देखो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। बोलो ग्यारस माता की जय, बोलो गौ माता की जय।